ओके, गुड मॉर्निंग गाइस। हम लोग फिफ्थ लेक्चर पढ़ने वाले हैं और इसमें मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ जिसकी ब्यूटी इस चैप्टर में आने वाली है उसको पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करूँ तो जैसा कि हमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था कि सिग्मा एफ टी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, सब लोग जानते हैं चीज, बिल्कुल फंडामेंटल डेफिनेशन। सिग्मा तक मतलब समेशन, कितने कौन से फोर्सेस हैं, टेंजेंशियल फोर्स है। ओके फाइन, मैं यहां से बोल रहा हूं कि सिग्मा एफ टी एम, और इसको बोलने वाला हूं मैं वी डी वी डीएस। बात समझ में आती है, एक्सीलरेशन था ऐसे कर लिया, एक को स्टूप ना क्या होता है डीबी ओवर डीटी और वी डीवी डीएस बाय यूजिंग दिस रिलेशन। ओके, तो मैं यहां से इसे रीअरेंज कर लेता हूं। यह है क्या हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो रीअरेंज किया सिग्मा एफ टी डीएस एम वी डीवी फाइन। तो अगर मैं इसकी बात करूं, जो नेट फोर्स है मेरा एफ नेट सिग्मा सार समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस, व्हाट इज टी, टी इज अ टेंजेंशियल फोर्स, इट मीन दिस इज अ कॉस कंपोनेंट। तो मैं यहां से बोल सकता हूं सिग्मा एफ कॉस थीटा डीएस इक्वल टू एम वी डीवी। यहां से मैं बोल सकता हूं सिग्मा एफ डॉट डीएस एम वी डीवी। याद है, सबको समझ में आता है फाइन। दिस इज द इंटीग्रल, यहां से क्या आ जाएगा मेरा, दिस इज डब्ल्यू, वर्क कॉस्ट हो जाएगा आपका एम वी स्क्वायर बाय टू, कहां से वी इनिशियल से लेके वी फाइनल तक। और मैं वी इनिशियल को बोल देता हूं यू, और इसको बोल दो वी नॉट, और इसको बोल देता हूं वी। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा एम वी नॉट वी बाय टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। ओके फाइन, अगर मैं यहां पर थोड़ा सा इसका सेपरेशन लेके बात करूं, जो ये मेरा वर्क है, जब मैं फोर्स की बात कर रहा हूं, नेट फोर्स में ऑल फोर्सेस आते हैं, किसी टाइप का फोर्स हो जितने बॉडी पैक्ट कर रहे हैं, तो जो वर्क होगा कितना होगा, वर्क डन बाय ऑल फोर्स। तो मैं यहां से बोल सकता हूं इसे जनरली वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू, मैं यहां से बोल सकता हूं इसे एम वी स्क्वायर बाय टू माइनस एम वी नॉट स्क्वायर बाय टू, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। मैं बोल सकता हूं वर्डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, सॉरी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। मैं यहां से बोल सकता हूं वर्डन बाय कंजर्वेटिव प्लस
वर्डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये हो गया मेरा वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ। ये बोलना चाह रहा है कि जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं किसी पार्टिकल किसी बॉडी पे, उन सब की वजह से बाय यूजिंग द न्यूटन सेकेंड लॉ हम लोग मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं। इसी के डेफिनेशन में यहां तक गया तो इसमें ऑल इन्वॉल्व फोर्सेस की बात कर रहा हूं मैं, तो जो मेरा वर्क होगा ऑल इन्वॉल्व फोर्स की वजह से होगा। बाय डेफिनेशन में यहां से प्रूफ कर लिया वर्डन बाय ऑल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्डन बाय कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, जो यहां पे वर्क जितने भी फोर्सेस होंगे किसी भी टाइप के होंगे कंजर्वेटिव नेचर होंगे, नॉन कंजर्वेटिव भी होंगे, और नॉन कंजर्वेटिव में इंटरनल भी हो सकते हैं एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, कि सबकी वजह से क्या होगा वर्डन बाय ऑल फोर्सेस कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, और नॉन कंजर्वेटिव कैसे सिस्टम के इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यहां पर नोट डाउन कर लो। ओके गाइस, तो ये जो भी मैंने डिस्कस किया है किसी पार्टिकल पे किया है, ये पार्टिकल वर्क हो रहा है, और जो वर्क हो रहा है ओनली ऑन टेंजेंशियल फोर्स की वजह से हो रहा है, तो दिस इज द वर्क डन ऑन द पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ टेंजेंशियल फोर्सेस। ऑल फोर्सेस जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं सारे के सारे फोर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें है। दिस इज द फर्स्ट मेथड। इसका एक और ऑल्टरनेटिव मेथड है और लेके देख लेते हम, और हम लोग इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं। जैसे मैंने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है, कैसे पढ़ा है कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और मैं बात करूं व्हाट इज एक्सेलरेशन, सिग्मा एफ ये जी आप लोगों ने पढ़ा है एफ नेट, व्हाट इज एक्सेलरेशन सिग्मा एफ नेट अपॉन मास इनटू एक्सेलरेशन डिवाइड बाय मास, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन सेकंड। बाय रिप्लेस द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट तो मुझे कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिल जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ सिग्मा एफ नेट इंटू एस अपॉन एम। वेक्टर यूज कर लेता हूं मैं, तो यहां से क्या मिल जाएगा मुझे, यहां पर डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा मेरा, तो एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम यू स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ सिग्मा एफ नेट डॉट एस। यहां से ले लो एम वी स्क्वायर बाय टू इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाय टू प्लस एफ नेट डॉट व्हाट इज दिस, दिस इज द वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस एफ नेट जितने भी सारे फोर्स का समेशन है वेक्टर सम, ये आपका क्या है एम वी स्क्वायर बाय टू माइनस एम यू स्क्वायर बाय टू इक्वल टू सिग्मा एफ नेट डॉट एस। यहां से फिर से आ गया दिस द वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी इनिशियल सॉरी फाइनल, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और ये ओवरऑल क्या है
डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. दिस इज द ऑल्टरनेटिव मेथड टू प्रूव द वर्क एनर्जी थ्योरम. ओके, नोट डाउन. ओके गाइस, जैसा कि अभी मैं वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूफ कर लिया. क्या क्या प्रूफ किया मैं कि वर्क कैसा वर्क बाय ऑल फोर्सेस विच फोर्सेस कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव. इसमें भी इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. इसमें मैं अगर बात करूं तो जो हमारे इंटरनल फोर्सेस होते हैं, इंटरनल फोर्सेस कैन डू वर्क. अगर मैं यहां पे हेडिंग डाल के लिखूं इंटरनल फोर्सेस कैन डू वर्क, ठीक है, इंटरनल फोर्सेस कैन डू वर्क, दियर वर्क मे बी जीरो बट ऑलवेज नॉट ट्रू. ये हमेशा ट्रू नहीं है. ओके, तो पहले मैं इंटरनल फोर्स के बारे में बात कर लेता हूं. तो ऐसे फोर्सेस जो सिस्टम के अंदर एक्शन रिएक्शन पेयर में क्या करेंगे, एक्ट कर रहे होंगे. सच टाइप ऑफ फोर्सेस विच एक्टिंग विद इन द सिस्टम इन एक्शन रिएक्शन पेयर, वो हमारे कैसे फोर्सेस हो जाएंगे, इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगे. ओके फाइन, अब मैं सिस्टम की बात कर लेता हूं एक बार. व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम का मतलब यह है, जैसे मैंने अभी ये कंसीडर कर लिया ए बी सी डी ई, ये पार्टिकल्स है, मैं केवल ए बी सी को मैं सिस्टम कंसीडर कर लिया और इसकी शक्ल आफ्टर इवेंट कुछ ऐसा हो गया ए डी बी सी ई. अगेन जो मेरा सिस्टम रहेगा फिर से वही सिस्टम रहेगा. मींस इफ आई कंसीडर ए सिस्टम इन द बिगनिंग ऑफ ए प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम के बिगनिंग में जो मैंने एक बार सिस्टम कंसीडर कर लिया, टिल टू एंड ऑफ द प्रॉब्लम हमारा सिस्टम कभी चेंज नहीं होगा. जब तक मेरी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए उसके एंड तक मैं अपना सिस्टम चेंज नहीं कर सकता. आफ्टर सॉल्विंग द प्रॉब्लम यू कैन चेंज द सिस्टम. जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाए, उसका एंड हो जाए, उस वक्त फिर से आप दूसरा सिस्टम कंसीडर कर सकते हो, फिर उसके बाद आप सिस्टम चेंज कर सकते हो. बट जो आपने एक बार सिस्टम कंसीडर कर लिया और जब तक प्रॉब्लम का सॉल्व ना हो जाए, एंड ना हो जाए, तब तक आप सिस्टम चेंज नहीं कर सकते. ठीक है फाइन, यहां तक नोट डाउन कर लो आप. ओके गाइस, जैसे ए बी सी डी ये मेरे एक सिस्टम है और इसके बीच में कोई F1 फोर्स लग रहा है और एक F3 लग रहा है, ये कोई F4 लग रहा है F4. ओके, इट मींस दिस इज द इंटरनल फोर्स विद इन द सिस्टम लग रहा है, एक्शन रिएक्शन पेयर में लग रहा है. दिस इज द इंटरनल फोर्स, ये सिस्टम के बाहर साइड आउटर साइड से लग रहा है. दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स है. ठीक है, अब
अगर मैं बात करूं, जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूं, मैं इधर ही ले लेता हूं, लेट दिस इज द ब्लॉक ए, दिस इज द ब्लॉक बी, दिस इज द एक्शनल एजेंट, और इसने कोई एफ फोर्स लगा रखा है इस पर। क्या लगा रखा है इसने? एफ फोर्स अप्लाई कर रखा है। अगर मैं इस सिस्टम को एक सिस्टम कंसीडर कर लिया इसको, इट मींस इसे कट करो, यहां पे एफ फोर्स आ रहा है और जो रस्सी है दिस इज द विद इन द सिस्टम, इट मींस जो फोर्स रस्सी में डेवलप हो रहा है एक्शन रिएक्शन पेयर में, दिस इज द इंटरनल फोर्स, दिस फोर्स इज एक्सटर्नल फोर्स। इस पर एक एम जी फोर्स लग रहा होगा, एम ए जी, दिस इज एम बी जी, दिस दीज फोर्स आर ऑल्सो एक्सटर्नल फोर्स नॉर्मल, दिस इज द कोई नॉर्मल एन वन, दीज फोर्स ऑल्सो एक्सटर्नल फोर्स। तो आप लोगों को देखना आना चाहिए विच फोर्स इज इंटरनल विच फोर्स एक्सटर्नल, यहां तक नोट डाउन कर लो। ओके गाइस, तो नेक्स्ट एग्जांपल, एक पार्टिकल है, हाइट 10 मीटर है, दिस द एच इक्वल्स 10 मीटर, और एक पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट किया, इसका मास इक्वल्स टू 2 केजी, और जो इसका जो स्पीड है यू है वो है आपका 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अपने को फाइंड आउट करना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल व्हेन हिट द ग्राउंड। तो मैं यहां से आईडिया लगा पा रहा हूं, काफी लोग सोच रहे होंगे सर मेरे को कैसे पता कि इसमें वर्क एनर्जी ही अप्लाई करूंगा। 95% व्हेन टाइम फैक्टर इज मिसिंग, यदि टाइम फैक्टर नहीं दिया हुआ है, अगर टाइम फैक्टर मिसिंग है, इट मींस 96% चांस कि दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। तो मुझे समझ में आना चाहिए वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब जब मैं यहां से प्रोजेक्ट किया और जब ग्राउंड को हिट करेगा तो जो इस पर पार्टिकल पर जो भी जितना भी जो फोर्स लग रहा है वो ऑनली ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। जब पार्टिकल यहां से जब हिट कर जाएगा, मतलब कहीं ग्राउंड पर पहुंच जाएगा, तो वर्क कितना होगा? एम जी एच। क्यों? क्योंकि फोर्स भी इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगा, ठीक है, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय अप्लाइंग द वर्क एनर्जी थ्योरम। व्हाट इज मास टू, व्हाट इज द 10, व्हाट इज दिस, दिस द 10, दिस द इतने जूल वर्क हुआ, कहां पे गया? हाफ ऑफ मास 2 के जी, इस फाइनल स्पीड निकालना है माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, व्हाट? 1/2 इंटू 2 इंटू यू स्क्वायर, व्हाट इज यू स्क्वायर? 5 का स्क्वायर, फाइन। तो इस 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, यहां से मेरा आ गया 200 जूल इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस माइनस 25। मैं इसको इधर लेके आ गया 225 इक्वल टू वी स्क्वायर, और ये वी इक्वल टू आ गया मेरा 15 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर, नोट डाउन। ओके गाइस, एक नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेता हूं मैं। मेरे पास एक स्प्रिंग है और इसका नेचुरल लेंथ एल नॉट है, दिस इज द एल नॉट। ए ब्लॉक ऑफ मास, एक मेरे पास ब्लॉक है,
इसका मास है मेरा 2 kg, और जो स्प्रिंग है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 100 न्यूटन मीटर। ओके, तो जो मेरा मेन कंसर्न है ये बताना है, जैसे मैंने ये ब्लॉक इसमें हैंग किया और छोड़ दिया, तो जो हमारा मेन कंसर्न है फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय दिस ब्लॉक, फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में ले रहा हूं व्हाट इज मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय स्पीड गेन्ड बाय द ब्लॉक। सेकेंड पार्ट, व्हाट इज मैक्सिमम इलॉन्गेशन इन स्प्रिंग। ये दो चीज हमने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहा हूं मैं, जैसे ही मैंने इस ब्लॉक में ये हैंग किया, ये कुछ ऐसा होगा सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, ये किसी वी से नीचे जा रहा होगा। जब इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी इस ब्लॉक की 100% गारंटी, इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा और नेट फोर्स पर जीरो होगा। जब फोर्स पर नॉन जीरो होगा, इट मींस दिस ब्लॉक आइदर स्पीड अप और स्पीड डाउन, या तो इसका एक्सेलरेशन होगा या फिर रिटार्डेशन होगा। जब यह अपनी मैक्सिमम स्पीड पर होगा तो ब्लॉक इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, kx फोर्स और mg फोर्स बैलेंस्ड कर रहे होंगे। क्यों? अगर मैं बात करूं, लेट दिस इज द नेचुरल लेंथ l नॉट, ये कुछ इसका इलोंगेशन x हो गया, यहां से यहां तक mg फोर्स ग्रेटर देन था kx फोर्स से, तो स्पीड अप हो रहा था। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नेट फोर्स जीरो हो गया, जब यहां से आगे जाएगा तो अब के एक्स फोर्स ग्रेटर देन एम जी फोर्स, अब रिटार्डेशन होगा। इट मींस द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, वो पोजीशन है जहां इस ब्लॉक की स्पीड मैक्सिमम होगी, और जब यहां तक चला जाएगा, जब इसका मैक्सिमम इलॉन्गेशन होगा, जब इसका मैक्सिमम इलॉन्गेशन होगा, तो इसका फाइनल स्पीड जीरो होगा। फाइन, इट मींस तो मुझे मैक्सिमम स्पीड बतानी है, तो बाय यूजिंग द वर्क एनर्जी थ्योरम मैं सिंपल बोल सकता हूं, वर्डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्डन बाय ग्रेविटी, वर्डन बाय स्प्रिंग इक्वल टू और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैं यहां पर यह बोल सकता हूं इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन में kx फोर्स इक्वल टू mg, इट मींस kx माइनस mg इक्वल टू जीरो। मुझे x मिला यहां से कितना मास, उतना 2 kg g10, और मेरा स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 100, तो मेरा एलोंगेशन आ गया 1/5 meter। ओके, फाइन, बाय अप्लाइंग द वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्डन बाय ऑल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये अपना हो जाएगा वर्डन बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी कैसे है, नीचे डिस्प्लेसमेंट नीचे, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो थीटा कितना जीरो,
तो ये हो जाएगा एम जी एक्स, स्प्रिंग का फोर्स किधर लग रहा है, इधर, डिस्प्लेसमेंट किधर, इधर, तो स्प्रिंग का वर्क कैसे होगा, नेगेटिव, तो हाफ ऑफ kx स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, जीरो। व्हाट इज मास, 2 kg, जी कितना, 10, इक्वल टू व्हाट इज एक्स, 1/5 माइनस 100/2 इंटू 1/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 1/2 इंटू 2 इंटू वी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया मेरा और इसे 2 टाइम्स हो गया, दिस इज द 4 माइनस, ये हो जाएगा मेरा 100 इंटू 4 इंटू 25, 4 टाइम्स 2 टाइम्स 4 माइनस 2 इक्वल टू वी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू वी स्क्वायर और ये हो गया v इक्वल टू रूट 2 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द मैक्सिमम स्पीड अटेंड बाय दिस पार्टिकल, नोट डाउन। ओके गाइज, अच्छा सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, जब ये मैक्सिमम एलोंगेशन होगा इट में 100% गारंटी है उस इंस्टेंट पे इसका स्पीड जीरो होगा क्योंकि ये एक्सट्रीम पे यहां पे जा चुका होगा। तो फिर अगेन वर्डन बाय ऑल फोर्स इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्डन बाय ग्रेविटी, वर्डन बाय स्प्रिंग इक्वल्स टू डेल्टा के ई, ठीक है, और इसमें जो डेल्टा के ई क्या होगा, इनी फाइनल भी जीरो और इनिशियल भी जीरो, तो वर्डन बाय स्प्रिंग कितना हो जाएगा, माइनस हाफ ऑफ के, कोई एक्स मान लेता हूं मैं, और ग्रेविटी का कितना हो जाएगा, एम जी एक्स इक्वल टू जीरो, इट मींस एम जी एक्स इक्वल टू हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर और एक एक्स कैंसिल, मास कितना हो जाएगा इसका 2 kg, जी कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, के कितना हो जाएगा 100 न्यूटन मीटर एक्स वाई 2, तो यहां समझ में आनी चाहिए चीजें, ये हो जाएगा अपना कितना वॉट 4/10 मीटर इक्वल टू एक्स, व्हाट इज एक्स 0.4 मीटर, दिस इज द मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, नोट डाउन। ओके गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग, ये अपना एक हिल है, इसका बेस एल नॉट, हाइट h, ऑफ पार्टिकल मास m, हॉल्ड अप विद द हेल्प ऑफ ए फोर्स f स्लोली, ये पार्टिकल स्लोली स्लोली जा रहा है बाय अप्लाइंग द फोर्स f, और f ऐसे अप्लाई कर रहे हम लोग जो ट्रेजेक्ट्री इस पर जा रहा है ऑलवेज इसके क्या है, पैरेलल है, मतलब टेंजेंशियल है, टेंजेंशियली अप्लाई कर रखा है फोर्स f, ओके, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू, तो फिर फोर्स का वर्क अपने को कैलकुलेट करना है। मैं यहां से फिर से बोल दूं, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में जब भी जिस फोर्स की वजह से वो वर्क पूछेगा तो ऑलवेज ट्राई टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय अदर देन द आस्किंग फोर्स, जिस फोर्स के बारे में पूछ रहा है उसे छोड़ के बाकी सारे फोर्स का हम वर्क इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यों, कुछ ना कुछ उसमें मिसिंग है या कुछ ना कुछ टिपिकल टास्क है इसलिए उसने ऐसा पूछा है। तो अगर मैं यहां की बात करूं, दिस इज द एम जी फोर्स, और अगर मैं इस इंस्टेंट पर टेंजेंट डालूं, ये क्या होगा एम जी कॉस थीटा और ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा, दिस इज द नॉर्मल और
ये मेरा क्या होगा डी एस लैटिस एंगल थीटा, तो ये क्या हो जाएगा डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा डी वाई। जो टेंजेंशियल जो लेंथ है, मैं इसको खींचा एक्सटेंड किया, दिस इज लेंथ डी एस, दिस इज डी एक्स, दिस इज डी वाई, दिस इज डी एस, दिस एंगल थीटा। ओके, जब स्लोली जा रहा है इट मींस चेंज काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो बाय अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स प्लस वर्क डन बाय फोर्स इक्वल टू जीरो माइनस जीरो। वर्क डन बाय नॉर्मल कितना होगा जीरो, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा एम जी एच, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो जाएगा वर्डन बाय फ्रिक्शन हो जाएगा एफ डॉट डी एस प्लस वर्डन बाय एफ इक्वल टू जीरो। फाइन, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा मेरा एम जी एच, और ये भी एम जी एच कैसा होगा माइनस का, क्यों फोर्स लग रहा है ऐसे और फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, कैसे भी जा रहा है छोटे छोटे कंपोनेंट होंगे ना हर एक डीएस डीएस के डीएक्स और डीवाई, और फोर्स जो वर्क परफॉर्म कौन ली डीवाई की वजह से डीएक्स में जीरो, ग्रेविटी के लिए बात करें हम लोग तो माइनस होगा प्लस, ये क्या हो जाएगा फ्रिक्शन क्या होगा म्यू एन, वॉट इज एन एन माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू जीरो परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट यहां से यूज करके मैंने क्या यूज किया माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू डी एस प्लस वर्क डन बाय एफ इक्वल टू जीरो। फाइन, तो मैं इधर मूव कर लेता हूं, तो माइनस एम जी एच माइनस म्यू एम जी डी एस कॉस थीटा प्लस एफ ऑफ डब्ल्यू ऑफ एफ इक्वल टू जीरो, तो W by force equals to mgh plus mu mg ds cos theta। और हम वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, जब मैं यहां पर ds ले रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर कंप्लीट फोर्स के लिए इंटीग्रल लेना पड़ेगा, यहां में क्या चल रहा है इंटीग्रल चल रहा है। ओके फाइन, छोटा सा वर्क लिखा हूं ना, जब मैंने सारा वर्क कंसीडर किया है एमजीएच कॉन्स्टेंट फोर्स लग पा रहा था, इसका मुझे कैलकुलेट करना है, ये वेरिएबल हो गया जो डीएस कॉस थीटा डीएस का छोटे सा लिख के इसे इंटीग्रल लूंगा ना मैं, बट मैं यहां से एक चीज देख पा रहा हूं दिस इज डीएस दिस थीटा, अगर मैं बात करूं ds cos थीटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इक्वल टू dx, सजा के देख लो दिस इज ds, इसका cos कॉम्पोनेंट किसके बराबर है dx के बराबर है, तो रिप्लेस बाय dx, तो wf इक्वल टू वर्डन बाय फोर्स f इक्वल टू mgh प्लस म्यू mg इंटीग्रल ऑफ डीएक्स, और डीएक्स का इंटीग्रल कितना होगा एल नॉट, तो ये हो जाएगा मेरा एम जी एच प्लस म्यू एम जी
एल नॉट, दिस इज द वर्क डन बाय फोर्स एफ. यहां तक नोट डाउन. ओके गाइस, मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं. ये मेरा एक ब्लॉक है, M1, M2, और ये किसी रस्सी से बंधा हुआ है, और जो मेरा ये नेचुरल लेंथ माइनस x, इट मींस इसमें कुछ कंप्रेशन है. अब मैंने क्या किया, ये रस्सी को बर्न कर दिया. इसमें अपने को फाइंड आउट करना है वर्क डन बाय द स्प्रिंग ऑन ब्लॉक. तो अपने को समझ में आना चाहिए, जो ये कंप्रेशन था और इसको मैंने बर्न किया, तो ये क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा. इट मींस स्प्रिंग का फोर्स इधर डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी उधर डायरेक्शन में, तो वर्क कैसा है, पॉजिटिव. तो वर्क डन बाय स्प्रिंग यहां पर कैसा है, पॉजिटिव. दूसरा एग्जाम्पल, ये मेरा एक सरफेस है स्मूथ, और इस पर एक प्लैंक है, और यहां पे एक ब्लॉक है. दिस इज ए, दिस इज बी, और यहां पे जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, और इसका स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है, और ये रेस्ट में इनिशियली. इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना, बी का 0. तो इसमें बताना है कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन ए, वर्क डन फ्रिक्शन ऑन बी कैसा होगा. मुझे पता है इनिशियली वेलोसिटी ऑफ बी इज 0 और वेलोसिटी ऑफ ए नॉन 0. इट मींस वेलोसिटी के इस अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो ए के ऊपर किधर फोर्स लगेगा. अगर मैं ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसा होगा, इधर इसका बी है 4 मीटर पर सेकंड, तो इसमें फ्रिक्शन किधर होगा, इधर होगा. तो ब्लॉक पे कैसा हुआ इस वर्क, नेगेटिव. जब ब्लॉक पे इधर लग रहा है फ्रिक्शन, तो इस प्लैंक पे किधर लगेगा, इधर फ्रिक्शन फोर्स, तो इस पे प्लैंक पे कैसा वर्क होगा, पॉजिटिव वर्क. तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए इज नेगेटिव, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन प्लैंक इज पॉजिटिव. ओके, मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि वर्क डन ए फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट वर्क डन ए फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इनका मीनिंग और डिफरेंस समझ में आना चाहिए. मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट है वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सेकंड स्टेटमेंट, वर्क डन बाय ए फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अब हम एक्शन रिएक्शन पूरे कंबाइंड सिस्टम की बात कर रहे हैं किसी सिस्टम पे. ओके, यहां तक नोट डाउन कर लो. ओके गाइस, इसमें कुछ और फोर्सेस की बात कर लेता हूं. वन इज ग्रेविटी, ग्रेविटी फ्रिक्शन स्प्रिंग टेंशन नॉर्मल. ओके, जब हम लोग इन फोर्सेस की बात कर रहे होंगे, जब एक सिस्टम के अंदर की बात होगी, तो इनके एक्शन रिएक्शन का जो वर्क होगा वो 0 होगा. वर्क डन बाय एक्शन रिएक्शन पेयर कैसा होगा, 0 होगा. और जब मैं इस फ्रिक्शन की बात करूंगा, इसके एक्शन रिएक्शन के पेयर का जो वर्क होगा नेट, वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा. फाइन, मैं फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं. व्हेन वर्क डन बाय फ्रिक्शन, एक्शन और रिएक्शन पेयर
जिनकी वर्क इज नेगेटिव, और बाकी जब भी ये एक्शन रिएक्शन पेयर में होंगे कौन से, स्प्रिंग टेंशन नॉर्मल, तो कैसा वर्क करेंगे ये, जीरो। लेकिन मैं इंडिविजुअली बात करूं तो नॉर्मल कैन डू वर्क, टेंशन ऑल्सो कैन वर्क। जैसे मैंने केवल बात की ए फोर्स अप्लाई किया, एफ सिस्टम जा रहा है, अगर मैं इस ब्लॉक पे बात करूं तो इस ब्लॉक पे कौन काम कर रहा है, टेंशन फोर्स ए ब्लॉक पर, और बी पे कौन कर रहा है, टेंशन फोर्स, बट दिस वर्क इज पॉजिटिव और दिस वर्क इज नेगेटिव, और चूंकि इंटरनल फोर्स है तो नेटवर्क कितना हो गया टेंशन का, जीरो। तो केवल हम टेंशन फोर्स की बात करें इस ब्लॉक पर तो वर्क कर सकता है, लेकिन जब एक्शन रिएक्शन पेयर में होगा तो वर्क कितना होगा, जीरो। सिमिलरली फॉर नॉर्मल, मैं नॉर्मल की ऐसे बोल सकता हूं ये मेरा क्या है, एक लिफ्ट है, किसी एक फोर्स से ऊपर जा रहा है, यहां पे रखा हुआ है एक बॉक्स, तो इस पर नॉर्मल क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर, तो मैं बोलूंगा यदि ऊपर जा रहा है इट मीन नॉर्मल ग्रेटर देन mg, तो इस ब्लॉक पे बॉक्स पे क्या हो रहा है, नॉर्मल काम कर रहा है। बट वहीं पे मैं अगर, और ये बॉक्स है जो ये मेरी केबिन है जो लिफ्ट है, इस पर नॉर्मल कैसा वर्क कर रहा है, नेगेटिव। एक्शन रिएक्शन पेयर इक्वल एंड अपोजिट, बट डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम, सो इसका वर्क क्या होगा, जीरो। और केवल इस बॉक्स की बात करूं तो नॉर्मल कैसे काम कर रहा है, पॉजिटिव। ओके, तो हमारा ये लेक्चर यहां तक फिनिश। ओके।